आज जब आप बाजार में स्पोर्ट शूज खरीदने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपका ध्यान जाता है उस ब्रांड पर जिस पर टिक लगा है, यानी कि नाइकी। नाइकी आज दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स ब्रांड है। लेकिन ये कैसे बना, कैसे शुरुआत हुई, क्या है कहानी, आइए बात करते हैं। आप देखना शुरू कर चुके हैं लर्निंग सीरीज, सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। मेरा नाम है आरजे कार्तिक और आज हम बात करेंगे नाइकी के फाउंडर्स की, नाइकी की कहानी की। दो फाउंडर्स हैं, फिल नाइट और बिल बाउमैन। फिल नाइट MBA की पढ़ाई कर रहे थे, एक सवाल के जवाब में उन्होंने एक बिजनेस आइडिया में जूते बनाने की कंपनी का आइडिया लिख दिया, वही आगे चल करके नाइकी बन गई। बिल बाउमैन स्पोर्ट्स कोच थे, लेकिन फिल नाइट जब मदद मांगने के लिए पहुंचे तो उनके साथ जुड़ गए, यहां तक कि जूते सिलने का भी काम किया। नाइकी की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये शुरू होती है एक यकीन से, एक आइडिया से, जिसे अमली जामा पहनाया गया, जिसे इंप्लीमेंट किया गया और आज नाइकी दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड बना है। नाइकी वो ब्रांड है जिसे पहनकर के बड़े सारे एथलीट्स बहुत बड़े एथलीट बने हैं। चाहे आप माइकल जॉर्डन की बात करें, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करें, रॉजर फेडरर, राफेल नडाल, सेरेना विलियम्स, टाइगर वुड्स, ये सारे नाइकी के साथ कहीं ना कहीं जुड़े रहे। 5 लर्निंग्स फ्रॉम नाइकी, आइए शुरू करते हैं। और दोस्तों आपको याद होगा पिछले कुछ वीडियोस में US कंपनीज के फ्री शेयर्स मैंने आपको दिए हैं। आज के वीडियो में साथ रहिए, आपको मिलेंगे दुनिया की मोस्ट इनोवेटिव कंपनी एप्पल के 250 रुपए के फ्री शेयर्स। नाइकी की कहानी समझने के लिए नाइकी के को फाउंडर फिल नाइट की कहानी समझनी होगी। पहली लर्निंग जो नाइकी ब्रांड से मिलती है, इसके फाउंडर से मिलती है, वो है फाइंड योर गोल। अपना गोल जितनी जल्दी हो सके ढूंढ लीजिए। फिल नाइट एक एवरेज स्टूडेंट थे, उनके आजू बाजू के लोगों को मालूम नहीं था कि ये बंदा आगे चल करके बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनने वाला है, ऐसी कंपनी बनाएगा कि हर कोई बात करेगा। फिल नाइट स्कूल में बेसबॉल टीम का हिस्सा थे, उन्हें बेसबॉल खेलना पसंद था, लेकिन स्कूल वालों ने टीम से उन्हें बाहर कर दिया, इस बात से बड़े नाराज हुए। उनकी लाइफ में उन्हें कभी ऐसा कोई बंदा नहीं मिला जो उन्हें अप्रिशिएट करता हो, उनकी तारीफ करता हो, हर कोई उनमें कमी निकालता रहा। जब वो यूनिवर्सिटी में पहुंचे, ऑरेगन यूनिवर्सिटी में, तो वहां वो रनर बने, एथलेटिक्स की तरफ उनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ और वहीं से उन्होंने अपना गोल ढूंढा कि मुझे तो जूते बनाने हैं। दूसरी बड़ी लर्निंग जो नाइकी की सक्सेस स्टोरी से मिलती है वो है प्लान योर कमबैक। फिल नाइट जो थे वो ग्रेजुएशन कर रहे थे ऑरेगन यूनिवर्सिटी से। यहां उनकी मुलाकात होती है नाइकी के दूसरे को फाउंडर बिल बाउमैन से, जो कि वहां स्पोर्ट्स कोच थे। फिल नाइट का इंटरेस्ट जो था वो रनिंग की तरफ आ गया, रनिंग करने लगे और कोच साहब सिखाने लगे, ये सब होने लगा। उसके बाद जब मास्टर्स के लिए फिल नाइट पहुंचे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, तो उन्हें अपने कोच की वो बात याद थी, क्योंकि कोच जो थे अपने एथलीट्स के लिए कंफर्टेबल शूज चाहते थे। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में मास्टर्स करते वक्त फिल नाइट से एक सवाल पूछा गया, उनके एग्जाम में एक सवाल था, बिजनेस आइडिया देना था। तो इन्होंने बिजनेस आइडिया दिया कि हम एक जूते बनाने की कंपनी शुरू कर सकते हैं। हालांकि इनके उस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया गया, इनको फिर से बुरा लगा, लेकिन इन्होंने अब की बार कमबैक करने की सोच ली थी। इन्हें मालूम था कि हर बार रिजेक्शन का सामना नहीं करूंगा, लाइफ में कुछ करके दिखाऊंगा, और उसके लिए इन्होंने अपने कोच की मदद ली। कैसे कहानी आगे बढ़ी, आइए बात करते हैं। सिर्फ आइडिया माइंड में आएगा तो बात नहीं बनेगी, उस आइडिया में आपको यकीन रखना होगा और आखिरी तक यकीन रखना होगा। यही है तीसरी बड़ी लर्निंग, बिलीव इन योर आइडिया। कहानी आगे बढ़ती है, फिल नाइट जो है वो जब लिख के आए थे अपने एग्जाम में, एक प्रोजेक्ट वो देकर आए थे शूज वाला, जिसमें वो कह रहे थे कि जो जापानीज कैमराज ने जर्मन कैमराज के साथ में किया है, जापानीज कैमराज ने जर्मन कैमराज को रिप्लेस कर दिया है, जापानीज टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है, वैसे ही शूज के मामले में जापानीज जूते जो हैं वो कमाल कर सकते हैं और जर्मन शूज जो कि बड़े ब्रांड्स बन चुके हैं उनको रिप्लेस कर चुके हैं। ये उनकी थ्योरी थी, लेकिन इस थ्योरी को आगे कैसे बढ़ाएं। फिल नाइट ने डिसाइड किया कि वो जापान जाएंगे, वहां की जो बड़ी कंपनी है ओनित्सुका टाइगर, उसके मालिक से मिलेंगे। लेकिन ये सब कैसे होगा, टूरिस्ट बनकर के जापान पहुंचते हैं, ओनित्सुका टाइगर के जो मालिक हैं उनसे मुलाकात करते हैं, लेकिन उस मुलाकात के लिए उन्हें झूठ बोलना पड़ा। अपनी ऑटोबायोग्राफी शूज डॉग में वो किस्सा बताते हैं कि जब मैं वहां पहुंचा, मिलना चाहता था तो कैसे मिलता, मैंने अपने माइंड में कंपनी बना ली, उसका नाम रख लिया ब्लू रिबन स्पोर्ट्स, और उसका मालिक बनकर के ओनित्सुका टाइगर के मालिक से मिला, उन्हें कहा कि सर हम अमेरिका में डिस्ट्रीब्यूटरशिप चाहते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, आप हमें एक मौका दीजिए, हम अमेरिका के लोगों को ओनित्सुका टाइगर के शूज़ पहनाना चाहते हैं। जो इनके आइडियाज़ थे, जो इनकी बातें थी, उससे ओनित्सुका टाइगर के जो मालिक थे वो इम्प्रेस हुए और फाइनली ओनित्सुका टाइगर का पहला ऑर्डर फिल नाइट को मिल गया अमेरिका में जूते बेचने के लिए। और आगे बढ़ने से पहले, जैसे फिल नाइट ने जापानीज शूज पर, जापानीज कंपनीज पर दाव लगाया, आगे बढ़े करियर में, वैसे ही आज की दुनिया में US कंपनीज का बोलबाला है। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं, डेली लाइफ में कहीं ना कहीं अमेरिकन कंपनीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम इंडिया में टेस्ला कार तो इस वक्त ओन नहीं कर सकते, लेकिन टेस्ला के स्टॉक्स ओन कर सकते हैं। आप कहेंगे तो बड़ा मुश्किल है, US स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना बड़ा भारी काम होगा, बहुत सारे चार्जेस होंगे, कमीशन इन्वॉल्व होंगे, स्टॉक्स भी एक्सपेंसिव होंगे, लेकिन अगर आप मेरी तरह IND मनी ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये सब कुछ आसान है।
आईएनडी मनी ऐप पर आपको मौका मिलता है यूएस स्टॉक्स को फ्रैक्शंस में बाय करने का, यानी कि एक स्टॉक का छोटा सा पार्ट आप खरीद सकते हैं। आईएनडी मनी ऐप पर कोई अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं है, जीरो कमीशन है, जीरो ब्रोकरेज है, ताकि आप एक स्मॉल अमाउंट से अपनी यूएस स्टॉक की जर्नी को शुरू कर पाए। और आज के इस वीडियो में आपको देने वाला हूं आईएनडी मनी के साथ मिलकर एप्पल कंपनी के 250 रुपए के शेयर्स बिल्कुल फ्री। डिस्क्रिप्शन लिंक से आईएनडी मनी ऐप पर साइन अप कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपना यूएस स्टॉक अकाउंट क्रिएट कीजिए। आपको मिलेंगे एप्पल के फ्री शेयर्स रिवॉर्ड सेक्शन में। और अगर आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से आईएनडी मनी ऐप डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो आपको ये कोड याद रखना है RJAPP, RJApp। इसे साइन अप के टाइम डालिए, अपना यूएस स्टॉक अकाउंट सेटअप कीजिए और आपको मिलेंगे एप्पल के 250 रुपए के शेयर्स बिल्कुल फ्री। साथ ही जब अपना यूएस स्टॉक अकाउंट फर्स्ट टाइम फंड करते हैं तो आपको अप टू 750 रुपीज का फ्री यूएस स्टॉक भी मिलता है। सो देर मत कीजिए, जस्ट क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड आईएनडी मनी ऐप पर अभी के अभी साइन अप कीजिए। मोहब्बत सिर्फ इंसानों से नहीं होती, मोहब्बत आइडियाज से भी होती है। ये कहानी जो है आपको यही सिखाती है। चौथी लर्निंग है, अपने पार्टनर को कभी मत भूलिएगा। फिल नाइट के साथ में जो एक और को फाउंडर है उनका नाम है बिल बारमैन, जो मैंने बताया कि ऑरेगन यूनिवर्सिटी में इनके स्पोर्ट्स कोच थे। फिल नाइट ने 1964 में ओनित्सुका टाइगर से पहला शिपमेंट मंगवाया। जब वो जूते देख रहे थे तो उन्हें लग रहा था इससे सुंदर मैंने कुछ देखा नहीं। फटाफट से दो जोड़ी जूते उन्होंने अपने कोच साहब को भिजवा दिए बिल बारमैन को कि सर जी आ चुका है पहला शिपमेंट। बिल बारमैन जो थे इनके साथ में जुड़ गए, दोनों ने फंडिंग की बराबर बराबर और ब्लू रिबन स्पोर्ट्स वो कंपनी शुरू की जिसका नाम जापान में ऐसे ही फिल नाइट के माइंड में आ गया था, जो मैंने बताया कि उन्होंने झूठ बोल करके मुलाकात की थी ओनित्सुका टाइगर के मालिक से। तो ब्लू रिबन स्पोर्ट्स कंपनी की जब शुरुआत होती है तो ये फिर ऑर्डर करते हैं अप्रैल में 300 जूतों का। 300 जूते आते हैं और ये अपनी कार की डिक्की में रखते हैं, फिल नाइट स्कूल के बाहर खड़े होते हैं, बिक जाते हैं। बिल बारमैन साहब भी जिनके एथलीट्स काफ़ी दोस्त थे और काफ़ी शिष्य थे, उनको कहते हैं कि भाई ये पहनो बड़े अच्छे जूते हैं, तो बिक जाते हैं। 1300 जूतों का ऑर्डर करते हैं फिर जुलाई में ओनित्सुका को, वो भी आते हैं, वो भी बिक जाते हैं। धीरे धीरे ब्लू रिबन स्पोर्ट्स कंपनी जो थी इसको बड़ी करते जाते हैं, सेल्समैन रखते हैं, स्टाफ रखते हैं और पहला स्टोर कैलिफोर्निया में खोलते हैं। 1968 का साल आता है, ओनित्सुका अपना जूता कॉर्टेज जो है उसे कुछ चेंजेस के साथ में लॉन्च करता है। कॉर्टेज उस वक्त के बड़े फेमस शूज थे और उनमें उनको जब लॉन्च किया गया था उसमें जो आइडिया था वो बिल बारमैन ने अमेरिका से भेजा था। ये अमेरिका से लिख लिख करके लेटर में बताया करते थे कि आप ये चेंज लाइए, ऐसे रहेगा वैसे रहेगा, क्योंकि बिल बारमैन जो थे वो चाहते थे कहीं ना कहीं कि हम अपनी जूते की एक कंपनी शुरू करें, अपना जूता यहाँ पर बनाएं। तो जब भी शिपमेंट आता था वो शूज़ को बड़े गौर से देखते थे कि कैसे सिलाई हुई है, क्या हुआ है, क्या किया जा सकता है कि हम अपना जूता यहाँ पर बनाना शुरू कर दें। ओनित्सुका टाइगर जो थी वो इनकी डिमांड को मैच नहीं कर पा रही थी। यहाँ ये धीरे धीरे अपनी कंपनी को बड़ी करते जा रहे थे, अमेरिका में लोगों को बताते जा रहे थे कि कंफर्टेबल शूज हैं, रनिंग के लिए बहुत बढ़िया है। इस सब के बीच में बिल बारमैन ने एक बुक लिखी जिसका नाम था जॉगिंग और वो 1 मिलियन से ज्यादा उसकी कॉपीज बिकी। बिल बारमैन ने उस जॉगिंग वाली बुक में अमेरिका के लोगों को बताया कि जॉगिंग करना कितना बेनिफिशियल है, कितना जरूरी है और जॉगिंग के लिए स्पेशली शूज होते हैं। तो कहीं ना कहीं उस बुक के जरिए ये अपने शूज को भी मार्केट कर रहे थे, उसकी भी ब्रांडिंग कर रहे थे। लेकिन जैसा मैंने बोला कि ओनित्सुका टाइगर ने एक वक्त में मना कर दिया कि बॉस अब हम डिमांड आपकी मैच नहीं कर सकते, हमें पहले अपने जापानीज लोगों को जूते पहनवाने, उसके बाद आपके लिए भेजेंगे। यहाँ आया इनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज और उसका तोड़ क्या निकाला उस पर बात करते हैं। और सीखने वाली आखिरी और सबसे बड़ी बात, प्रॉब्लम का मतलब प्रॉब्लम नहीं अपॉर्चुनिटी होता है। जब भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो आप हार मान लें या फिर आप कमाल कर दें और जीत के दिखा दें। ये दूसरा वाला ऑप्शन जो है बिल बारमैन और फिल नाइट ने अपनाया। ओनित्सुका टाइगर इनको मना करते जा रहा था कि हम आपकी डिमांड मैच नहीं कर सकते, हमें अपने लोगों को जूते पहनाने। बिल बारमैन के माइंड में आइडिया आ चुका था कि मुझे तो अपनी कंपनी बिल्ड करनी है, अब हम ब्लू रिबन स्पोर्ट्स जो है ये अपने जूते बनाएगा, अमेरिका में जूते बनेंगे और उसके लिए बहुत पहले से जैसा मैं बता रहा हूँ कि काम करते थे, देखते थे डिजाइन ये सब वो सब। 1972 में इनका कॉन्ट्रैक्ट ओनित्सुका टाइगर के साथ में खत्म होने वाला था क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटर थे, अब ये ओनर बनना चाहते थे, शू मेकर बनना चाहते थे। 1971 से ही बिल बारमैन ने काम करना शुरू कर दिया, कंपनी का नाम रख लिया जो कि कंपनी के एम्प्लॉय ने दिया था, नाम था नाइकी। लोगो बनवाने के लिए पोर्टलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वहां जो डिजाइनिंग के स्टूडेंट्स थे उनको ये जिम्मा देते हैं। कैरोलिन डेविडसन ने लोगो बना के तैयार किया जो इनको बड़ा पसंद आया। $35 में इनका ये लोगो वाला काम हुआ था उस जमाने में 1971 में। पहले लोगो के साथ में मतलब जो टिक है उसके साथ में ऊपर नाइकी भी लिखा होता था, धीरे धीरे नाइकी हट गया, सिर्फ टिक रह गया और सबको मालूम है इस टिक का मतलब है नाइकी। नाइकी जो है 1972 से शुरुआत करता है। म्यूनिक ओलंपिक से पहले
जैसा मैंने बताया कि बिल बॉर्मन जो थे स्पोर्ट्स कोच थे, वो एथलीट्स को मौका देते हैं कि आप ये वाले पहनिए शूज़, और ऐसे ऐसे करके ब्रांडिंग और बढ़ती जाती है। 1989 आते आते नाइकी अमेरिका की सबसे बड़ी स्पोर्ट शूज़ कंपनी बन जाती है, और आज की बात करें तो नाइकी स्पोर्ट्स शूज़ भी बना रहे हैं, स्पोर्ट्स अपैरल्स भी बना रहे हैं, और दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स ब्रांड बन चुके हैं। आज स्पोर्ट्स लवर्स की विश लिस्ट में नाइकी बहुत बड़ा ब्रांड है, एस्पिरेशनल ब्रांड बन चुका है नाइकी, और ये सारा कमाल किया है उस इंसान ने जिसको लाइफ में कभी किसी ने सीरियसली नहीं लिया, फिल नाइट, जिन्होंने कोई स्पोर्ट्स नहीं खेला, बड़े स्पोर्ट्स में नहीं थे, लेकिन आज स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के सबसे बड़े आदमी है। नाइकी की ब्रांड वैल्यू की बात करूं तो 2020 का आंकड़ा बताता है $34.8 बिलियन नाइकी की ब्रांड वैल्यू है, और ये इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड है। नाइकी की कहानी हमें काफी कुछ सिखाती है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो सिखाती है वो है यकीन रखिए खुद पर, खुद के आइडिया पर, एक दिन आप कमाल जरूर करेंगे। देखते रहिए मेरे साथ हर सोमवार सुबह 9:30 बजे एक नई कहानी, और हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो। एक ही बात जो बार बार कहता हूं, कर दिखाओ को जैसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। और आखिरी में एक छोटा सा रिमाइंडर, आईएनडी मनी ऐप को डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कीजिए और अपना US स्टॉक अकाउंट फंड कीजिए, आपको मिलेंगे ₹250 के फ्री एप्पल शेयर्स। साथ ही आप जब पहली बार US स्टॉक अकाउंट क्रिएट करते हैं, उसे फंड करते हैं, तो आपको ₹750 के फ्री US स्टॉक भी मिलने वाले हैं। कोड याद रखिएगा RJ ऐप। आईएनडी मनी ऐप को 4 मिलियन से ज्यादा इंडियंस यूज कर रहे हैं, एंड इट्स द बेस्ट ऐप टू इन्वेस्ट इन US स्टॉक्स फ्रॉम इंडिया।